गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंट टर्म्स में पार्ट टू में कुछ पॉइंट्स है, ये वन वर्ड में आते हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड एंड बेटर एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स। वैज्ञानिक तरीकों तथा बेहतर कृषि साधनों का प्रयोग करने की विधि को कृषि उत्पादन को बढ़ाना ही इंसेंटिव एग्रीकल्चर कहा गया है। खरीफ सीजन, तीन सीजन होते हैं। पहले नंबर पे खरीफ सीजन, खरीफ सीजन स्टार्ट्स विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून जून जुलाई एंड कंटिन्यू टिल द बिगनिंग ऑफ विंटर अक्टूबर नवंबर, फॉर एग्जांपल राइस माइलेट्स एट्सेट्रा। खरीफ सीजन यह जून की शुरुआत से अक्टूबर तक कृषि की फसलों की ऋतु है। इसमें चावल, ज्वार, मक्का, पटसन ये आती हैं, इसको खरीफ सीजन कहा गया है। रबी सीजन यानी रबी ऋतु, द क्रॉप विच आर ग्रोन इन द विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, व्हीट, बार्ली, पीज, ग्राम आर सम एग्जाम्पल फॉर द रबी क्रॉप्स। रबी ऋतु में यह नवंबर से मई तक की फसलों की ऋतु है। गेहूं, चना और तेल के बीज इस ऋतु की प्रमुख फसलें हैं। जायद क्रॉप्स, दीज आर क्रॉप विच आर शोन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप। वाटरमेलन, मस्कमेलन एंड कुकुम्बर आर द सम एग्जाम्पल ऑफ जायद क्रॉप। ये वे फसलें होते हैं जो रबी या खरीफ दोनों के बीच उगाया जाता है, जैसे तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ, खीरा हुआ तथा सब्जियां, ये सारे इसके उदाहरण हैं। सब्सटेंस एग्रीकल्चर फार्मिंग इन विच द मेन प्रोडक्शन इन कंज्यूम्ड बाय द फार्मर्स हाउस होल्ड। सब्सटेंस ये एक ऐसी कृषि है जिसमें किसान उत्पादित वस्तुएं मुख्यतः अपने घर में ही प्रयोग करता है। मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं जो बहुत सारी फसलें एक साथ उगाई जाती है। वैन टू और मोर देन टू क्रॉप्स आर ग्रोन सिमिलरली ऑन द सेम फील्ड। एक ही खेत पर दो या उससे ज़्यादा फसलें उगाना वो मल्टीपल क्रॉपिंग आता है। स्लैश एंड बर्न, इट इज़ द मेथड ऑफ फार्मिंग दैट इन्वॉल्व क्लीनिंग लैंड बाय डिस्ट्रॉइंग एंड बर्निंग ऑल द ट्रीज एंड प्लांट ऑन इट। इसको स्लैश एंड बर्न उसको कहा गया है जो कि ये एक जो है खेत है उसमें साफ करके और उसको नष्ट करके कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि वहाँ पे हम खेती कर सकें। ये स्लैश और बर्न ये एक विधि होती है जिस पे कि हम खेती करते हैं। ये अच्छे तरीके से याद करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।